और अगली खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है, जहां पर थानेपुर पुलिस ने ग्राम महनौन में हुए 24 घंटे के अंदर प्रेमी प्रेमिका हत्याकांड का खुलासा करते हुए मृतक प्रेमिका के आरोपी पिता और भाई को गिरफ्तार किया है। मृतक प्रेमिका के पिता कृपा राम और भाई राघव राम ने रविवार देर रात दोनों को मिलते हुए देख लिया था, जिसके बाद प्रेम प्रसंग को लेकर दोनों आरोपियों ने मिलकर प्रेमी और प्रेमिका दोनों की रस्सी से गला कसकर हत्या कर दी थी। थानेपुर पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर पूरी घटना का खुलासा किया है। वहीं पूरी घटना का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज प्रजापति ने बताया कि थानेपुर पुलिस ने कृपा राम और राघव राम बाप बेटों को गिरफ्तार किया। ये दोनों आरोपी ग्राम महनौन के रहने वाले हैं। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया है। आरोपियों के निशानदेही पर प्रेमी के शव को गन्ने के खेत से और प्रेमिका जो आरोपी कृपा राम की लड़की है उसको अयोध्या के शमशान घाट पर दफन किया गया था। प्रेमिका के शव को भी आरोपियों के निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है। इस बारे में अपर पुलिस अधीक्षक से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, दोनों शव भी बरामद हो गया है। गोंडा थाना थानेपुर की पुलिस ने कृपा राम और राघव राम दो बाप बेटों को गिरफ्तार किया है, ग्राम महनौन और के रहने वाले हैं। इसके ये जो है हत्या के एक मुकदमे में ये नामजद किए गए थे, उनको आज गिरफ्तार किया गया है। इनकी गिरफ्तारी के बाद इन्होंने जुर्म कबूल किया है और इनकी निशानदेही पर जो एक डेड बॉडी थी जो लड़के की उसकी बरामद की गन्ने के खेत से, और जो दूसरा ये लड़की इन्होंने अपनी लड़की को जो अयोध्या में जहाँ अपनाया था वो डाट उसको डेड बॉडी बरामद किया गया है और उसका भी पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया गया है। और ये जो जो लड़का ये गन्ने खेत में बरामद हुआ था उसका भी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया है। बात यह है कि 21 अगस्त को एक महिला जो है आई कि उसका लड़का करीब 19-20 साल का 37 चौरसिया है वो गायब है, मिल नहीं रहा है। तो इस मामले को पुलिस ने थानेपुर पुलिस ने तत्काल संज्ञान में लिया और तुरंत जब पूछताछ शुरू की गई तो पता चला एक लड़की से बातचीत हो रही है। जब उस लड़की के विषय में जानकारी की गई तो पता चला, घर वालों ने बताया कि वो उसका मृत्यु हो गई है, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस को शंका हुई, इसने कड़ाई से पूछताछ किया तो जानकारी मिली कि ये जो है इन दोनों को मार दिया गया है। फिर उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत हुआ था और इन दोनों को जब बाप बेटों को पूछा गया कृपा राम और राघव राम को, तो इन्होंने अपना जुर्म इकबाल किया और फिर इसके बाद उसके गन्ने के खेत से लड़के की डेड बॉडी 37 दिन बरामद हुई और जो अयोध्या में जहां उसने लड़की को दफनाया था उसको बरामद किया गया और जो इसमें विधिक कार्रवाई की गई है। और इसमें जो है पुलिस थानेपुर पुलिस के द्वारा तत्काल जो है प्रकरण को संज्ञान में लिया गया और इसको मतलब ये कही कि कुछ घंटों में ही जो है पूरे घटना का अनावरण किया गया और इसके लिए थानेपुर पुलिस को जो है उच्चाधिकारियों के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। और इसमें और भी जो प्रकरण में जो भी विधिक कार्रवाई की जा रही है।